अनुप्रतापपुर में राजस्व विभाग के द्वारा दिल्ली रोड में स्थित बिजली ऑफिस के सामने अवैध कब्जा पर कार्यवाही करते हुए निर्माणाधीन दुकान को तोड़ दिया गया जो शासकीय जमीन पर बनाया जा रहा था। इससे पहले भी समझाइश देकर कब्जा तोड़ा गया था, जहां फिर से निर्माण करने की शिकायत पार्षद और मोहल्लेवासियों की आई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए कब्जा हटाया गया और समझाइश दी गई निर्माण नहीं करने की। इस मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली रोड के पास अपना शासकीय जमीन था जिस पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। वहां के वार्ड पार्षद और कुछ मोहल्ले वालों ने शिकायत किया था तो उसकी जांच की तो पाया गया कि वो जमीन सरकारी है, तो वहां जाकर उनका अवैध कब्जा है, उसको आज हटा दिया गया है। पहले भी मैडम वहाँ पे हो चुका है कार्रवाई, कौन है जो बार बार ऐसा कर रहे हैं? अब उसको नाम कुछ तो पता नहीं चल रहा है, बाकी शिकायत उस टाइम भी हुआ था तभी हमने कार्रवाई की थी। अब फिर शायद तो कार्रवाई की है और समझाई दे रहे हैं कि भविष्य में इस तरह से निर्माण करें ना किया जाए करके। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।